नमस्कार फ्रेंड्स, टारगेट विद कंपटीशन एग्जाम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए सब्सक्राइब के आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे हमारे रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। दोस्तों, आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और जिसमें कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन उपलब्ध हुए हैं जिनको हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। जो क्वेश्चन उपलब्ध हुए हैं वो मिसलेनियस टाइप के हैं, तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन जो मिसलेनियस टाइप के जो आए थे वो इस तरह से हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के जो स्थान है उसकी जगह क्या आएगा? तो सीधा सीधा आप इसे यहीं से कर लेंगे। जेड के बाद बी आया है, उसके बाद एक्स और डी ग्रुप बना है, उसके बाद यू और जी ग्रुप बना है, उसके बाद Q और K बना है और नेक्स्ट पूछा गया है कि क्या आएगा। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग या जब भी ये चीज़ें करते हैं तो आपको ए बी सी डी के नंबर्स, कौन सा लेटर किस नंबर्स पर आता है, इस चीज़ को अगर आपको याद होगा तो ये एक मिनट, मुश्किल से 30 से 32 सेकंड का ये सवाल है। अगर आप देखेंगे जेड को हम 26 नंबर पर रखते हैं, बी को 2 नंबर पर रखते हैं, एक्स को हम 24 नंबर पर रखते हैं और डी को हम 4 नंबर पर रखते हैं। इसी तरह से यू को 21 नंबर पर रखते हैं, जी को हम 7 नंबर पर रखते हैं, इसके बाद जो क्यू है उसको हम 17 नंबर पर रखते हैं और जबकि के को 11 नंबर पर। अब यहाँ से देख लीजिए, 26 के बाद आया आपका 24, यानी कि 2 का अंतर। इसी तरह से यहाँ 3 का अंतर 21 आया, यहाँ 4 का अंतर, तो निश्चित रूप से अगली संख्या जो आएगी उसमें 5 का अंतर आएगा, यानी कि 17 में से 5 गए 12, 12वें नंबर पर क्या आता है, वो आता है L। और इसी तरह से इसे देखेंगे, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 7 आया, 7 के बाद 11, यानी कि पहले में 2 का डिफरेंस, उसके बाद 3 का डिफरेंस, उसके बाद 4 का डिफरेंस, तो अगला निश्चित रूप से 5 का डिफरेंस होगा। तो 11 में 5 जोड़ देंगे, जो क्या आया वो 11वें नंबर पे है, 11 में हम 5 जोड़ देंगे तो आएगा 16वें नंबर पे, 16वां नंबर हो गया। एक तो एल आ गया आपका और 16वें नंबर पे आता है पी। तो इस तरह से जो हमारा ऑप्शंस होगा वो तीसरा विकल्प इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या 4, 6, 5, 7, 9, 7, 3, 9 में संख्या में ऐसे कितने योग हैं आगे और पीछे दोनों ओर जो संख्या पद्धति में उतनी ही दूरी पर होते हैं जितनी दूरी पर दी गई संख्या में वो आगे पीछे दोनों ओर होते हैं। तो इसका भी सिंपल है, ये भी बेसिक क्वेश्चन है। अगर हम लिखेंगे 4, 6, 5, 7, 9, 7 और 3, 9, तो इसमें देख रहे हैं कि वो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह की संख्या में वो एक दूसरे से जितनी दूरी पर होते हैं उसी तरह से वो इस दूरी पर कितने ऐसे युग्म हैं जो कि उतनी ही दूरी पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहले हमने देखा 6 और 9 के बीच, यानी कि 7वां, 8वां और 9वां, यानी कि 2 का अंतर है 6 और 9 के बीच, 7वां और 8वां नंबर का, तो एक युग्म हमारा ये बन गया। अगला युग्म देखते हैं, अगला युग्म हमें दिखाई दे रहा है 7 और 9 के बीच, यानी कि 8 और 9, उसके बाद 7 के बाद 8 और 9, देखते हैं अगला युग्म कौन सा बनना है। अगला युग्म हमारा ये बनना है 4 से 7, यानी कि 5 और 6 आते हैं। इसके अलावा और कोई युग्म बनना है वो और देख लेते हैं, जिससे कि हम निश्चिंत हो जाएं। एक युग्म ये और बनना है, 5 के बाद 6 आता है। तो इस तरह से हमारे 4 युग्म बने। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितने युग्म बन रहे हैं, तो 1, 2, 3 तो हमारे बनना है 3 से अधिक, तो इसका अर्थ होगा कि डी इसका सही विकल्प होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, शब्द ई सी यू ए डी ओ आर है, इसके पहले दूसरे चौथे और सातवें अक्षरों में से कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया जाए, और यदि शब्द के दाएं ओर से दूसरा अक्षर कौन सा होगा। यदि एक शब्द से अधिक शब्द बन रहे हैं
तो उत्तर के रूप में वाई अंकित कीजिए, यदि कोई शब्द नहीं बन रहा है तो जेड अंकित कीजिए। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें दे रखा है ई, यानी कि पहला शब्द हमें लेना है ई, दूसरा शब्द लेना है सी, चौथा शब्द लेना है ए और सातवां शब्द लेना है आर। तो इनसे कौन कौन से अर्थपूर्ण शब्द बन सकते हैं? तो आप देख रहे हैं पहला बनना है केयर, सी ए आर ई। दूसरा क्या बनना है? दूसरा बनना है रेस, सी ई, ठीक है। और तीसरा बनने के चांसेस हैं, अगर मैं ये को पहले ले लेते हैं तो ए सी आर और ई, ए सर। तो हमारे जो शब्द बने वो तीन बन गए। तो पूछ रहा है उत्तर वाई जब लिखा जाएगा, जब एक से अधिक शब्द बन रहे हो, तो हमारा उत्तर हो गया ए, इसका विकल्प हो गया ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि 9436527 यानी कि 9436527 इस संख्या में, प्रत्येक संख्या में से एक घटाया जाए तो नई संख्या हो जाएगी 8, 3, 2, 2, 5, 4 और 6, ठीक है। अब प्रत्येक सम संख्या में दो जोड़ दिया जाए तो सम कौन कौन सी हो गई? ये हो गई 10, ये ऐसे ही रहेगी, इसमें 4 हो जाएगा और ये ऐसा ही रहेगा, ये 6 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है तो नई निर्मित संख्या में कितने अंक दो बार दिखेंगे? तो नई जो संख्या है उसमें ऐसा देखिए कि कोई अंक कितने बार, निर्मित नई संख्या में कितने अंक दो बार दिखाई दे रहे हैं? तो दोस्तों हमें एक भी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ ऐसी कोई अंक नहीं है जो हमें दो बार दिखाई दे रहा हो, 1, 0, 3, 4, 5, 6, 8। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो नन ऑफ दीज होगा, इसमें दिया नहीं है, नन ऑफ दीज इसका सही विकल्प होगा जिस तरह से हमसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसी तरह से हम लगातार वीडियो अपने लाते रहेंगे IBPS RRB के लिए, वो चाहे PO की परीक्षा हो या असिस्टेंट की परीक्षा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें, इसके अलावा बेल आइकॉन को भी क्लिक करें जिससे हमारा रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुँच सके। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।